डमी एडमिट कार्ड को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल में किया हंगामा, शिक्षकों को बनाया बंधक, मौका देख प्रभारी प्राचार्य फरार। नायाचक मखना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का होगा भव्य आयोजन, इसको लेकर ग्रामवासियों ने की बैठक। तिलका मांझी से कोतवाली तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगे दुकानों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की रक्षा विषय पर परिधि के द्वारा हुआ संगोष्ठी आयोजित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस। और अब खबरें विस्तार से। डमी एडमिट कार्ड को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल में किया हंगामा, शिक्षकों को बनाया बंधक, मौका देख प्रभारी प्राचार्य फरार। भागलपुर गोराडीह थाना क्षेत्र के मोहरन पंचायत के इंटर स्कूल में सैकड़ों के छात्र छात्राओं ने एडमिट कार्ड को लेकर जमकर बवाल काटा। करीब 3 घंटे तक छात्र छात्राओं ने स्कूल में हंगामा किया। घंटा की सूचना मिलने के बाद गोराडीह पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुस्साए छात्र छात्राओं ने विद्यालय में हंगामा किया, उन्होंने शिक्षकों को घेर कर रूम में बंद कर दिया। इस दौरान गुस्साए छात्र छात्राओं ने महिला शिक्षकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी कमरा में बंद कर दिया। मामला गोराडीह के गांधी इंटर स्कूल मोहरहन हाट का है। गुस्साए छात्रों का कहना है मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं आया है। इधर मामले की सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। हंगामा की सूचना पर भले ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी गुस्सा आए छात्र छात्राओं का हंगामा शांत नहीं हुआ है। गुस्साए छात्र गुलशन की मां ने बताया कि उनका बेटा इंटर में साइंस लेकर पढ़ाई करता है, हर एग्जाम में वो स्कूल आते हैं। सैकड़ों छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड आई, लेकिन मेरे पुत्र का एडमिट कार्ड नहीं आया। छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल में लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। पिछले साल भी 150 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, जबकि उन्होंने प्रवेश पत्र के लिए अपशुल्क भी जमा कराया था। बच्चों का कहना है कि प्राचार्य पिछले 15 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जो प्रभारी प्राचार्य हैं वो भी मौका देखकर निकल गए। इधर विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि वो लोग सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं, अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं। फिलहाल गुस्साए छात्र छात्राओं ने स्कूल में जमकर हंगामा कर रहे हैं। मामले की सूचना पर गोराडीह पुलिस पहुंची है। मेरा स्कूल में मेरा बेटा का नाम कौशल कुमार सिंह है, भागलपुर में साइंस लिए हैं, पढ़ते हैं, हर एग्जाम देने के लिए टेस्ट यहाँ पर आए हैं, और सब स्टूडेंट का डमिन कार्ड आया है, पर मेरा बच्चा का डमिन कार्ड नहीं आया है। हमने एप्लीकेशन लिख कर दिए है सर को, सर बोला कि आ जाएगा, पर अभी तक वो नहीं आया है। 15 जनवरी को एग्जाम है इंटर का फाइनल, पर बाबू का कुछ नहीं आया है, रोज आते हैं फुसला कर भेज देता है। कौन स्कूल है? गांधी इंटर हाई स्कूल मुरन जमी। अच्छा, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं सर, हम लोग को खून पसीना से हम लोग कमाते हैं, शरीर का खून बेचकर बच्चा लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, और सर मेरे साथ धंधेली यही करता है। क्या नाम है? साथ नहीं, मेरा नाम रानी देवी है। घर कहाँ? रत्ती चकुआ सर। और मैं एक नहीं मेरे साथ किया है, दोबारा है, ये दोबारा चांस है। मेरा बड़ा बेटा का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया, पिता का नाम था हृदय सिंह, उसमें परमानंद सिंह दे दिया। जब उस सर को बोले कि सर पहले मतलब मैट्रिक से एग्जाम देने से पहले, तो क्या बोला सर कि ठीक हो जाएगा, हम ठीक करा दें, करें एग्जाम दो। ठीक, पर वो ठीक क्या कराएगा सर, कुछ नहीं किया। ठीक। नयाचक मखना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का होगा भव्य आयोजन, इसको लेकर ग्रामवासियों ने की बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर बलुआचक अंतर्गत नयाचक मखना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ 27 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बृहद पैमाने पर गांव के लोगों ने कई बिंदुओं पर बैठक की। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को कार्य भी बांटा गया है। इस कथा में कथावाचक वृंदावन के स्वामी अनंताचार्य महाराज श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश से पधार रहे हैं। 7 दिनों तक भक्ति रसपान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सारी मूलभूत सुविधा कैसे तैयार की जाए, उसको लेकर आज बैठक की गई है। इस बैठक में गांव के दर्जनों विशिष्ट लोग मौजूद थे। तिलका मांझी से कोतवाली तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। भागलपुर शहर की सड़कें
ऐसे ही संकीर्ण है। उसके ऊपर हर सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से कोतवाली तक सड़कों के किनारे अवैध रूप से चल रहे सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में हटवाया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने दुकानों पर जो बुलडोजर चला है वो कब अमल हो पाता है या फिर से इसी तरह ये दुकान सज जाती हैं। हम लोगों को तिलका मांझी से घंटाघर चौक, कचहरी चौक, ये खलीफाबाग चौक, कोतवाली, ततारपुर स्टेशन, चार जगह कर रहे हैं। किसके आदेश से है ये? अनुमंडल से आदेश निकला है, जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, उसी के आधार पर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं, फाइन भी ले रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहा है उसका सामान उठा के नगर निगम में। कितना का फाइन हो चुका है अभी तक? लगा है 12 आदमी का हुआ है, 12 नौ है, 2400 रुपया, 2400 रुपया हो चुका है। परिचय बताइए। हम सरोज कुमार, मेरा नाम है, लघु सिंचाई कनी अभियंता है। हाँ, बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की रक्षा विषय पर परिधि के द्वारा हुआ संगोष्ठी आयोजित। भागलपुर कला केंद्र में परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी, हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार ये काम देखा जा रहा है। कहीं पर भी बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी है। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त भी कराया जा रहा है। केंद्र में बच्चों की सुरक्षा एवं बच्चों के भविष्य के सवाल पर सेमिनार का एक आयोजन किया गया है परिधि के माध्यम से, जिसमें उदय जी के माध्यम से और हम लोग के सम्मानित हम लोग के भागलपुर के बुद्धिजीवी में आए हुए हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद महता जी, वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हमारे मनोज बाबू, जयसवाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित साथी, आज सर के बुद्धिजीवियों के बीच आज एक चर्चा जो आम सब चर्चा बनी हुई कि बच्चों की सुरक्षा हो और बच्चों के भविष्य के सवाल पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की भविष्य के बारे में बाल श्रमिक आयोग लगातार प्रयास कर रही है। बच्चों के सुरक्षा के सवाल पर हर जिले में हमारे श्रम संसाधन के पदाधिकारी हम हर हमेशा लगे रहते हैं कि किसी तरह की बच्चों के साथ, चाहे दूसरे राज्य में जा कर के काम करने का हो या उनके साथ कुछ बला फुला सलाह करके उसको ले जा करके दूसरा काम करवाता हो, वैसे काम से वो बचे, उनकी सुरक्षा करके उसको विद्यालय भेजें, शिक्षा की ओर ले जाएं, उस और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, बच्चों की जहाँ तक भविष्य की बात है तो श्रम संसाधन विभाग, मैं तो बहुत पूरे बिहार में और हर जगह में घूम करके मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के सवाल पर, बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, बच्चे को विमुक्त करने के सवाल पर सबसे ज़्यादा अभी बिहार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और सबसे ज़्यादा बच्चों के हित में, क्योंकि बच्चे के जब तक अभिभावक की स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाल श्रम से होता क्या है, लोगों को एक लगता है बच्चे को पकड़ना, बच्चे को विमुक्त करना, नहीं, उन बच्चे जो बाल श्रम करते हैं उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है अज्ञानता के कारण, उन बच्चे की सुरक्षा खत्म हो जाती है, उनकी जीने की आज़ादी खत्म हो जाती है, उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था सही से नहीं हो पाते। इसलिए हम लोग सोचते हैं बाल श्रम एक अपराध है और 6 से 14 साल तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, उस पर जो है कार्रवाई
जो है 20 से जो है 50,000 रुपये तक का फाइन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे को विमुक्त करके हम लोग उसको विद्यालय ले जाते हैं। हाल के दिनों में आप नए नए हम लोग का सुधार हो रहा है कि जो बच्चे विमुक्त होते हैं उनके अभिभावक को इंदिरा आवास हम लोग देते हैं, श्रम संसाधन विभाग बाल श्रमिक आयोग इंदिरा आवास देते हैं, राशन कार्ड की व्यवस्था की जाती है, उनको 10th की पढ़ाई की मुफ्त में उनकी व्यवस्था की जाती है, उनके स्वास्थ्य की देख रेख की जाती है। इतना ही नहीं, श्रम संसाधन विभाग जैसे पहले भी बोले कि लगातार ये चिंतित है कि जब तक उनके अभिभावकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए श्रम संसाधन विभाग में जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दीनहीन व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जो अर्थ के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में वो बाल श्रम करवाते हैं, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर अगर आप 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दो बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं। अगर उनके बच्चे MBBS पास कर गए तो उनकी शुल्क माफ़ है, उनके बच्चे IIT पास कर गए उनका शुल्क माफ़ है। श्रमिक क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ईंट भट्टे में काम करते हैं, उसकी आयु कम हो जाती है, तो ऐसे बच्चे के लिए, उनके अभिभावक के लिए, उन श्रमिकों के लिए जो है आकस्मिक निधन पर जो है 2,00,000 रुपया उसको दिया जाता है, दुर्घटना होता है तो उनको जो है 5,00,000 रुपया दिया जाता है, उनको साइकिल किराए के लिए जो पैसा जो है उनको 3,500 रुपया दिया जाता है, और प्रत्येक साल वस्त्र के लिए 2,500 रुपया दिया जाता है और स्वास्थ्य के लिए 3,000 रुपया दिया जाता है। और इतना ही नहीं, प्रोत्साहन राशि भी है, अगर श्रमिक के बच्चे 60% से अभव मार्क्स लाते हैं उनको 10,000 रुपया मिलता है, 70% से अभव मार्क्स लाता है तो उसको 15,000 रुपया दिया जाता है, और 80% से अभव मार्क्स लाया तो उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। पुनः BIT अगर कर लिया, इंजीनियरिंग पास कर गया तो पुनः उनको जो 25,000 रुपया दिया जाता है, पॉलिटेक्निक के लिए जो उनको 15,000 दिया जाता है, और नर्स के लिए और ITI के लिए उनको 5,000 रुपया उनको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखते होंगे कि हर जगह बच्चों के लिए लगातार श्रम संसाधन विभाग ये लग करके ये काम, और इतना नहीं, महिलाओं का जो है दो बच्चे के जन्म तक महिलाओं के लिए जो है बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का लाभ देती है श्रम संसाधन विभाग, दो बच्चे के जन्म तक की भी उनको जो 35,000 रुपया जो है उनके दिया जाता है। अगर उनके पिताजी का भी, अगर माँ का नहीं है पिताजी है तो पितृत्व लाभ में भी जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। इसलिए सरकार ये लगातार चिंतित है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बाल श्रम नहीं हो रहा, बाल श्रम हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस वित्तीय वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक में जो अभी 27 तक का है 1,000 समथिंग यानी लगभग 1,000 बाल श्रमिक बिहार से विमुक्त हुए हैं, और उनको विमुक्त होने के बाद उनको इंदिरा आवास, राशन कार्ड और विद्यालय में उसको ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भागलपुर में भी ईंट भट्टे पर पिछले तक जो है छापामारी नहीं होता था, अब ईंट भट्टे पर भी छापामारी हो रहा है, दुकान से भी बच्चे को पकड़े जाते हैं। पिछले सप्ताह 6 बच्चे एक दिन में भागलपुर से विमुक्त हुए हैं। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है, और ये प्रयास केवल विभाग और सरकार का नहीं, ये प्रयास ये आप प्रेस के साथी का है, सर के बुद्धिजीवी का है, हमारी महिलाओं का है, पुरुष का, सभी का है कि बाल श्रम अपराध है, बच्चे को विद्यालय भेजें, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, 1 से 10th तक के बच्चों का सारे शुल्क माफ है। इसलिए हम लोग तो लगातार बच्चे की सुरक्षा और बच्चे की शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है कि बच्चे जिए, बच्चे श्रम नहीं करें, बच्चे अपने निर्माण के लिए एक अच्छा काम करें, इसके लिए आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन, एक अच्छा एनवायरमेंट हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी सभी साथियों के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, और ये पहल भागलपुर की धरती से एक अच्छा प्रयास होगा। धन्यवाद। ड्रग्स का जो सेवन काफ़ी संख्या में बढ़ गया, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए? सरकार दिशा निर्देश भी दिया गया है हर जगह कि इसको चिन्हित करने के लिए, सभी जगह चिन्हित करने के है कि नहीं, समस्या बेरोजगारी एक देश में समस्या बन करके हुआ है, और लोगों को ज्ञान का भी अभाव है। अब आप एक सोच सकते हैं कि हमारी महिलाएं, आप एक मैं उदाहरण ले सकते हैं, महिलाओं से पूछिएगा कि बच्चे को क्यों कम पर बेचता है, पता पैसे का अभाव है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी बिहार की महिलाएं और भागलपुर की महिलाएं 100 रुपये में दिन भर का काम करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता, 3,000 रुपया पर डे भी उसको रोज़गार नहीं मिलना है, 1,000 से 1,500 रुपये तक वो कमाता है। जब 1,500 रुपये में उनकी नहीं होती है, क्या वो बच्चे 300 में 600 रुपये में क्या उसका निर्माण हो सकता है? नहीं। विद्यालय में आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था है, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था है, स्कूल में खाने पीने 8 तक का सारी व्यवस्था है, उसके बाद 10th में भी OBC के लिए, SC के लिए, सारे विभाग के लिए अलग से व्यवस्था है। लेकिन है क्या कि इन्वायरमेंट का गलत
जो है प्रभाव पड़ गया, जिसके कारण आप स्टेशन में भी जाइएगा सोलेशन से सूंघते हुए बच्चे मिलेंगे, स्टेशन जाइएगा कोरेक्स पीते हुए बच्चे मिलेंगे, ये सब मिलते हैं, लेकिन कुछ कम हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी को सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इस पर जो विरोध करना चाहिए, हमारे बच्चे विद्यालय जाएँ, ये बहानों अज्ञानता उसका है। जब सरकार वन से लेकर के PhD तक का शुल्क माफ करके रखा है पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन, और दो बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपये, तो इस तरह का सरकार का संसाधन है, इस परिस्थिति में अगर कोई बहाना बनाता है तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लगातार प्रयास, अभी संरक्षण जो है हर जगह प्रखंड में हम लोग का पंचायत में अभी हम लोग का दिशा निर्देश दिए हम लोग कि आखिर विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं, अगर बच्चे नामांकित हैं तो इतने बच्चे क्यों नहीं आते हैं, अगर क्यों नहीं आते हैं तो क्या वो अपने माँ पिताजी के साथ दूसरे राज्य में कमाने के लिए नहीं चले, इसका हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं। मुखिया सबको हम लोग दबाव भी दे रहे हैं, BDO सबको भी दबाव दे करके हम लोग एक आंकड़ा जो है कलेक्शन करके और उसमें जो है हम लोग काम करने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि बाल श्रम ना हो, बाल जो है जो भी चीज़ है उनके सुरक्षा पर वो पढ़े लिखे देश के भविष्य में निर्माण में काम आए, इसके लिए काम किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस। भागलपुर के माननीय विधायक अजीत शर्मा जी के निवास स्थान स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, ऐसे में देश की अखंडता, एकता और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ता के कंधे पर आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर लोकशाही की तानाशाही प्रवृत्ति से रक्षा का संकल्प लिया। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिला के हमारे कांग्रेस प्रेमी, वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने वंदे मातरम का एक गान भी किया और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश का सबसे बड़ा पहचान कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हुई थी आम जनता की भलाई के लिए। आज कांग्रेस है तो देश है। आज जितनी पार्टियां पैदा ली है वो सब कांग्रेस के कोख से ही पैदा ली है। आज हमें संकल्प लेने का दिन है। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2024 में हम केंद्र की सत्ता पर बैठेंगे और जो एक तानाशाही सरकार है उसको हम उसकी गद्दी से, दिल्ली के दरबार से उखाड़ कर फेंकने में पूरी तरह से हम कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन होगो मन में गए विश्वास, पूरा गए विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओम प्रकाश उपाध्याय, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। आप देख रहे हैं लोकल TV न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।